क्या क्या काम किया गया है, क्या ह्यूमन कैपिटल के लिए दिया गया है। स्पीच ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा क्या, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, कुछ करने जा रही जी। ये डिस्कशन में हम लोगों के पीछे भी आया था जी कि एजुकेशन, और एजुकेशन में जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की या जो सपना हमने क्रिएट किया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का या कल को डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं होती है। ये हमने पीछे भी डिस्कशन किया कि यस इस पॉलिसी इस एजुकेशन की सरकार को सोचना चाहिए। आप पीछे भी सरकार कोशिश में लगी है इसको इस एजुकेशन पॉलिसी को ओवरऑल ट्रांसफॉर्म कर दें, लेट्स सी व्हेन इट कम्स। बाकी जो अभी एजुकेशन में उन्होंने स्कूल एजुकेशन की बात करी है उसमें 15,000 स्कूलों की भी इन्होंने बात करी है, इसके बाद इन्होंने सैनिक स्कूल की बात करी है, 100 नए सैनिक स्कूल लाने की इन्होंने बात करी है, हायर एजुकेशन की भी इन्होंने बात करी है। इसमें बजट में इन्हें लद्दाख के लिए प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी की भी बात करी है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्होंने ऐड करने की इस बार कोशिश करी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और इसमें मैं हाँ प्लीज ऐड करना चाहूँगा, इसमें इन्होंने ट्राइबल वेलफेयर के लिए भी इन्होंने इस बारी ह्यूमन कैपिटल में ऐड किया है कि 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे ट्राइबल एरियाज में, और अमेंडमेंट करी जाएगी अप्रेंटाइजशिप एक्ट में भी अमेंडमेंट करी जाएगी, उसको और रेशनलाइज किया जाएगा, उसको और बेटर किया जाएगा। स्किलिंग में भी ऐड किया है कुछ, उसको भी आप कवर कर लो। जी देखिए ये बताइए कि कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से जो ऑफलाइन सिस्टम था वो पूरा ऑनलाइन की तरफ जाता दिख रहा था, जिस तरीके से स्कूल्स जो थे वो ऑनलाइन जो क्लासेस चलाई जा रही थी, उसके बाद ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव देखने को मिल सका है। जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में आप इस चीज को समझ लो पुलकित जी आप भी, कि जिस तरीके से वर्ल्ड जो था एक ऑफलाइन की जगह एक ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा था, जिस तरीके से स्कूल्स जो थे बंद हो गए और कई महीनों तक बच्चों ने घर पर बैठकर पढ़ाई की थी, छात्रों ने घर पर बैठकर पढ़ाई की थी, स्कूल कॉलेजेस सब तमाम चीजें थी वो बंद, तो ऐसे में इसको एक विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता था कि हम ऑनलाइन क्लासेस पर ज्यादा जोर दें, ऑनलाइन पर ज्यादा जोर दें, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाना है। तो डिजिटल इंडिया की एक तरफ अगर बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो फोकस रखते हैं वो स्कूल्स बनाने पर रखते हैं, आप जो फोकस रखते हैं आपने जैसे कि बताया 100+ सैनिक स्कूल भी बनाए जाएंगे और 50,000+ जो स्कूल्स की बात कही गई है यहाँ पर, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए यहाँ पर कुछ है बजट में, कुछ है दिखता है आपको? जैसे कि मैं बात कर रहा था जैसे कि जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए जा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं सैनिक स्कूल बन रहे हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ दिया गया बजट में आपको दिखा अभी तक कुछ? देखो जब हमने इन्होंने बजट में स्कूल को प्रपोज किया है, स्कूल का कहने के मतलब होता है आप 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 एक एक पक्ष क्यों लेके चल रहे सारी चीजों को ऑनलाइन ही हम लेके चले जी। आप अगर नई नई पीढ़ी को डेवलप करना चाहते हो कि उनके स्वास्थ्य की बात करो, स्कूलों की तो दरकार है। दिस वाज पैंडेमिक, पैंडेमिक की सिचुएशन में ये चीज बहुत तेजी से पड़ी। हाँ। आपको कहीं ना कहीं सरकार ने पीछे इसको फैसिलिटेट किया है कि हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, सरकारी साइट्स भी अवेलेबल है जो उसकी बात करती है, और इसको आगे भी प्रमोट करने की बात करें, बट दोनों को आप एक ही ओला में कह लो नहीं तोड़ सकते हो कि नहीं स्कूल नहीं बने और सब कुछ हम ऑनलाइन की बात करें, तो एक तरीके से डिसीजन अच्छा डिसीजन है आगे के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन जो था वो एक विकल्प के तौर पर अच्छा नजर आता था कि ऑनलाइन एजुकेशन में सोर्स कम लग रहे थे लेकिन चीजें ज्यादा निकल कर सामने आई। अमित शाह का ट्वीट आ गया है, गृह मंत्री देश के, उनका ट्वीट आया है, उन्होंने बजट को अच्छा बताया है। ये देखिए है क्या रजत जी और पुलकित जी, आप दोनों सीए से आते हैं, राजनीति का दरअसल खेल ही है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होता है तो मास्टर स्ट्रोक होता है और विपक्ष जो होता है उसको बिल्कुल ही जीरो बता देता है। ये यहाँ का जो है रूल है, एक है जो हम अपनी राजनीति की बात करते हैं तब। इसके साथ मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ, आप ये समझाइए टेक्नोलॉजी के लिए क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है पूरी देश का भविष्य जो है वो टेक्नोलॉजी पे कितना निर्भर करता है, तो बजट में टेक्नोलॉजी के लिए क्या कुछ है? जैसे कि लास्ट बजट में बताया था कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा, तो इस बारी सरकार जो है इसमें लेके आई है कि अगले 5 सालों में टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए 5,000 करोड़ खर्च करेगी। इसके बाद उन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को और लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ और बढ़ें, उसके उन्होंने 1,500 करोड़ की स्कीम लाने का बात करी है इस बजट में सरकार ने। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की बात करी है जिसमें क्या कहते हैं वेल्थ पॉलिसी लाई जाएगी कि जिसमें अलग अलग लैंग्वेज इसको ऑन कैसे ट्रांसलेट कराया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में बात करी है टेक्नोलॉजी सेक्टर में कहीं।
हमारे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को लेके जा रहे हैं। गगनयान मिशन एक्टिविटी की बात करी है जहाँ पे इंडियन एस्ट्रोनॉट ट्रेन किया जाएगा, 4 एस्ट्रोनॉट्स को प्लान किया हुआ है सरकार ने, जो वो 4 एस्ट्रोनॉट स्पेसिफिक इसकी ट्रेनिंग लेंगे। ओशंस की भी इन्होंने बात कर ली, डीप ओशन मिशन की बात कर ली है जिसके लिए 4,000 करोड़ का आउटले किया गया है। यानी ये सरकार कहीं इनोवेशन और जैसा पिलर भी हमने शुरू में शुरुआत ही करी पिलर्स के साथ, उसमें स्पेसिफिक पिलर इन्होंने दिया इनोवेशन आरएनडी को, तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। प्लीज इस बीच आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाइव आई है, उन्होंने लाइव आते हुए बता रही है कि बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बजट से मजबूती मिल रही है। इसके साथ ही एमएसपी व्यवस्था बदलने से फायदा हुआ है, वो बता रही है कि एमएसपी जो व्यवस्थाएं बदली गई है उनसे देश को फायदा हुआ है। इसी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को ताकत मिलेगी, वो बता रही है निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री की स्वास्थ्य क्षेत्र को ताकत मिलने वाली है। ये जो बजट है ये इन चीजों में ताकत देगा इस देश को। लेकिन जैसा कि हम लोग जो पिलर पर बात कर रहे हैं, जिन 6 पिलर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हुए मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, प्राइवेटाइजेशन एक वर्ड है जिससे लोगों को डर भी लगता है इस देश में और कई लोग जो है इसका समर्थन भी करते हैं। तो ऐसे में प्राइवेटाइजेशन की जब बात आती है, गवर्नमेंट हमेशा जो है इसको डिफेंड करने के लिए बोलती है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ऐसे में मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस आज एक बार फिर संसद में इस पर बात, बजट पेश करते समय स्पीच में भी आया, क्या है? राजेंद्र जी, जब आप किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं और खासकर हम अपने यहाँ की बात करें, इंडिया की बात करें, लाइक वी समवेयर हमारी इकोनॉमी कहीं के मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, पोजीशन क्या होती है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी ट्रेड अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है और वहाँ लॉसेस होने लगते, तो उस ट्रेड या इंडस्ट्री नहीं ओवरऑल उसमें काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज से लेके उनकी फैमिली से लेके सारे आप अगर देखो तो हमारे पास अभी प्राइवेट में जो पर्सनल्स हैं दे मोर इफेक्टिव हु आर टेकिंग केयर ऑफ बिजनेस इन अ मोर बेटर वे कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशंस जो अभी सरकार मैनेज कर रही है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार को रैदर देन इन्वॉल्विंग इन डे टू डे बिजनेस सिनेरियोस वो पॉलिसी फ्रेमवर्क ज्यादा फोकस करें, अभी वो क्या मिक्स लेके चल रहे हैं। तो यहाँ बात कहीं ना कहीं निकल के आई कि वो इसमें जितना उनका इन्वॉल्वमेंट कम होता जाए और जितना उनका इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी मेकिंग की तरफ बढ़ता जाएगा उतना हमारी ग्रोथ पैटर्न और अच्छे देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना ये थॉट भी है जो बीच में इन्वॉल्व है जिसमें आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी सुबह भी हम लोगों ने बात करी थी सेल कर रहे हैं, इट्स नॉट सेल, इट्स ओनली प्राइवेटाइजेशन। और इसको लेकर बड़ी आशंका रहती है लोगों के बीच में, लोगों को लगता है प्राइवेटाइजेशन का मतलब है चीज को बेच देना कि रेलवे को बड़े प्लेयर्स के हाथ में दे देंगे, इस पर थोड़ा सा दर्शकों को क्लैरिटी की जरूरत होती है, वो थोड़ा सा क्लियर करिए। सर प्राइवेटाइजेशन खैर कभी सेल नहीं होता, हाँ ये है कि प्राइवेटाइजेशन एक आम बंदे के लेवल पे बात करें तो यस दे हैव टू गिव द क्वालिटी टाइम आल्सो, तो ही फिर वो भी बेनिफिट उठा पाते हैं क्योंकि फिर आप मार्केट के साथ कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। देखो सी जब तक गवर्नमेंट के पास कोई भी ट्रेड या इंडस्ट्री रहती है तब तक वो कहीं ना कहीं उसको संभाल कंजर्व करके रखा हुआ होता है, मार्केट कंपटीशन से वो बाहर है, तो प्रोस एंड कॉन्स नहीं तब तक पता चले। अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट इस एंगल पे सोच रही है, मेरा व्यू है कि प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं अच्छा कॉम्पिटिशन लेके आएगा तो उन इंडस्ट्रीज में ग्रोथ भी लेके आएगा। प्लीज बिल्कुल पुलकित जी ये बताइए आज के बजट से आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा किस सेक्टर को मिलने वाला है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मैं कहूँ तो हेल्थ केयर सेक्टर को फ़ायदा मिला है और ये होना भी चाहिए। हम सिर्फ कोरोना वायरस की बात की जा रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक में हमारा कहीं हेल्थ केयर सेक्टर वैक्सीन की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो हमारे हेल्थ सेक्टर को ऐसे बूस्ट की ज़रूरत ही जी बिल्कुल, उससे इतर बड़ी समस्याएं आ रही है। हाँ जी, इसके साथ ही आपने जैसे कि लाभ के बारे में बताया कि किस सेक्टर को कितना कुछ मिलने वाला है, रजनी जी ये बताइए किस सेक्टर को मिलना चाहिए था, उम्मीद थी मिला? सर देखो डिस्कशन जब हम लोग का शुरू हुआ था प्री बजट सेशन से ही लेके वी वर वेरी क्लियर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा, इट वाज फोकस्ड पहली चीज हम लोग का ठीक रहा, मतलब अनुमान जो हम लोग का था जी बिल्कुल। हम लोगों ने हेल्थ केयर की बात की थी, हेल्थ केयर भी उन्होंने लेके चले,
जिसके हम लोगों ने R&D इनोवेशन की बात करी थी, वो भी पॉइंट कहीं नहीं किया। हम लोगों ने जब बात करी थी कि इस बारी कोई खास बेनिफिट रेट्स को लेकर नहीं मिलने वाला है, शायद ही कुछ पास ऑन हो, वो भी चीज क्लियर निकल के आई। तो कहीं ना कहीं डिस्कशन और लाइन हम लोग लेके चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं अच्छी देखने को मिली है। और आप अगर बात करो फार्मर्स की बात, तो हाँ ये डिस्कशन हम लोगों का नहीं था क्योंकि मुद्दा ही फार्मर्स का कुछ और चल रहा है, बट दे हैव अलाइंड दैट बेनिफिट टू देम आल्सो। फिशरीज वगैरह को भी अलग अलग लेवल पे बेनिफिट इन्होंने दे दिया, फंड एलोकेट कर दिया है। यस, आप ये कह सकते हो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं ट्रांसफर हुआ आम आदमी की जेब में, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो सोचे लेके चल रहे हैं और ये प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर पाए, तो अगले 3-4 सालों में, जैसा कि इनका कहना है कि हम डेफिसिट को कंट्रोल कर ले, डेफिसिट को एक लेवल पे ले आएंगे 25-26 तक, तो वो कहीं ना कहीं अचीवेबल दिखता है। देखिए उम्मीदें बहुत है क्योंकि बेरोजगारी पर भी काम करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना है, हेल्थ केयर पर भी काम करना है, बाकी मिडिल क्लास के लिए भी काम करना है, और भी तमाम चीजें। बजट पेश होता है, सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है, इस बजट में सबको खुश करने की कोशिश की गई है, इसके साथ ही किसानों के लिए भी काफी कुछ था। आपको 10 पॉइंट्स बता देता हूं जो बजट जो मुख्य बिंदु है। कोरोना काल में सरकार ने, आपको बता दूं, 94,000 करोड़ जो पहले एग्रीकल्चर का बजट था उसको बढ़ाकर